नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम भरवां करेले बनाने जा रहे हैं। इसके लिए लिए मैंने 1 पाव करेले, 3 बड़े प्याज चॉप्ड किए हुए, 2 हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, अजवाइन, राई, साबुत धनिया और धनिया पाउडर। अब हम इस करेले को इस तरह से अच्छे से छील लेंगे और सभी करेलों को छील करके इनके बीच में से हम कट लगा देंगे। अब हम इस करेले के ऊपर नीचे के मुंह काट चुके हैं और इसमें इस तरह से खड़ा कट लगाएंगे। इस तरह से इसको चीर दिया। अब हम इसके, देखिए इसके हल्के हल्के लाल बीज हैं, जिसके एकदम लाल बीज हैं आप उनको निकाल लें। इन बीजों को तो हम काट करके इस सब्जी में डाल देंगे, इसलिए हम इनको निकाल करके हमारे पास ही रख लेंगे। इस तरह से हम इनको साफ करते चलेंगे सभी करेलों को। कट लगा दिया करेले में। करेले के छिलके, करेले के बीज जिसको हमने चॉप्ड कर लिया, बारीक बारीक कूट करके तैयार कर लिया, और ये है छिले हुए करेले। अब हम इन सबको नमक लगा देंगे। तो देखिए, नमक लगाने से कड़वापन खत्म हो जाता है, तो ये हम हल्का हल्का इन पर नमक भुरक देंगे। इस तरह से हम इन पर नमक डाल करके थोड़ी देर इनको रखेंगे मिक्स करके, और उसके बाद में हम इन सबको धो देंगे। तो 5-10 मिनट के लिए हम इनको नमक लगा के रखते हैं। देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद में चलनी से इनको धो करके इकट्ठा कर लेंगे। करेले में नमक लगाने से, करेले में हम अच्छे से नमक लगा देंगे ताकि इसका कड़वापन, जो इसमें से पानी निकलेगा नमक के साथ में, वो इसका कड़वापन लेकर के हटा देगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और इतने में हम दूसरी तैयारी करते हैं। चॉप्ड प्याज के अंदर हम हरी मिर्ची कटी हुई डाल लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये हल्दी डाल दी हमने, नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम ये सौंफ पाउडर और डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे, और इसमें डालेंगे ये नमक के पानी से धोए हुए करेले के छिलके और बीज हैं, जिसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इस सारे को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ये अमचूर का पाउडर डाल देंगे। ये हमने पानी में धोया हुआ करेला ले लिया, नमक के पानी में धोया हुआ, हमने इसको छील करके तैयार कर लिया था। अब हम इसमें दबा दबा के ही मसाला भरेंगे। अब आप देखना इसको अच्छे से पुश कर कर के इसमें हम ये प्याज वाला मसाला भर रहे हैं। जो प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए दूसरी वीडियो चढ़ाई हुई है, उसमें आप बेसन भर के भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको ऐसे करके दबा देंगे और इसको रख देंगे। दूसरा प्याज करेला लेंगे और इसके अंदर भी प्याज को, मसाले को दबा दबा के भर देंगे इस तरह से। फिलअप फुल करें इसको, खाली नहीं रखें। इस तरह से बंद बंद 1-2, इस तरह से हमने इसको भी भर दिया है, फिलअप कर दिया है। अब हम इसको लेकर के भी फिल कर देंगे। इस तरह से हमारे सारे करेले फिल हो चुके। अब हम इसको बांध देंगे, एक धागा लेकर के हम इसको बांध देंगे। अब हम इसको ऐसे धागे को पकड़ करके इस तरह से लपेट देंगे। धागा लपेटने से ये स्टफिंग खुलती नहीं है और इसको खाने में मज़ा। इस तरह से हम इस करेले को ऐसे बांध देंगे, जब खाते हुए हम इसको खोल लेंगे। गांठ नहीं देनी है, ये खुलेगा नहीं इस तरह से। इसके बाद में इस लास्ट वाले करेले को भी हम ऐसे लेंगे, इस तरह से घुमाते हुए। इस तरह से हमने इन सब को धागे से बांध दिया है। हमने सरसों का तेल लिया है, ये 2-2.5 चम्मच तेल है, इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसका देखते हैं कि ये गर्म हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए हम ये छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए हल्का हल्का सरसों का तेल गर्म होने लग गया है, ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें इन करेलों को धीरे धीरे रखेंगे।
एग्जैक्ट पोजीशन पे इस तरह से हम इन करेलों को इसमें सेट कर देंगे। अब हम इनको इसी कंडीशन में ढक देंगे। अब हम इस मिक्सचर के अंदर जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं, पक रहे हैं, इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको उस करेले वाली फ्राइंग में ले जा करके इसको मिक्स कर देंगे। देखिए करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम इसमें ये मसाला मिक्स कर देंगे और अब हम इसको हिला देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और करेले रेडी हैं। लीजिए करेले सर्विंग के लिए तैयार है। अब हम ऑफ कर देते हैं आंच। लीजिए तैयार हो गए भरवा करेले। देखिए कितने स्वादिष्ट हैं, कितने सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए जैसे कोई हमने इसको बहुत ही अच्छे से पका लिया है, इसलिए इसमें इतने सॉफ्टनेस आ गई है। अब आप इसको टेस्ट करके देखें, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।